फिर से लॉकडाउन लग गया। क्या करे समझ में नहीं आता। घर में तो मम्मी पापा जीना हराम करके रखा है। जब देखो पढ़ाई पढ़ाई रटते रहते हैं और बाहर जाए तो पुलिस नंगा करके मारता रहता है। क्या करे बोलो। अरे हाँ यार, पिछवाड़ा सुझा देता है। ये साले चाइना वाले हमारे यहाँ सारे नकली माल भेजते हैं, 2 दिन चल के खराब हो जाता है। लेकिन सालों ने वायरस असली भेज दी, साला जाने का नाम ही नहीं लेता। सारी आजादी हमसे छीन ली। इस वायरस बनाने वाले को तो फांसी हो जाना चाहिए। साला ये वायरस बनाने वाला मिल जाता, साले को दौड़ा दौड़ा के मारता और साले को सोली में टांग देता। अरे यार, इस लॉकडाउन में घर में पढ़ाई काम पढ़ाई काम पढ़ाई काम कर करके हाल बुरा हो जाता है। चल कोई तरकीब निकाल जिसे भी काम ना करना पड़े और पढ़ाई भी ना करना पड़े। अरे भाई चिंटू, क्यों ना आप शादी कर लेते हैं। बीवी आ जाएगी तो घर का काम भी कर लेगी और पढ़ाई भी। हाँ कुछ करना नहीं है, हमारे तो आराम ही आराम है। लेकिन भाई मिंटू, शादी के लिए क्या पापा राजी होंगे। अरे शादी से पहले कौन बताए, कौन बताएगा उनको, शादी के बाद उनको बताएंगे ना। अरे वाह भाई वाह, क्या दिमाग लगाया है। लेकिन अरे लड़की कौन देगा यार। अरे हाँ क्यों नहीं देगा, हम इतने बुद्धिमान हैं, कितने महान हैं, हमारे जैसे दामाद उनको कहीं और मिलेगा क्या। अरे ये तो सही बात है यार। तो ठीक है, मैं वो टकला पंडित को बुलाता हूँ, वो हमारा रिश्ता देखेगा। रिश्ता बुला बुला, फोन करके यहाँ पे बुला, यहीं पे सारी बातचीत कर लेंगे। हेलो कौन। अरे कौन, टकला पंडित बोल रहे हैं। बोलो बोलो। अरे पंडित जी, हम चिंटू और मिंटू, पहचाने का। अरे हाँ हाँ हाँ, बोलो भाई बोलो। अरे पंडित जी, हमारे लिए एक लड़की चाहिए था। राम 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 राम, कितना असली लौंडा है। अरे नहीं पंडित जी, हमें शादी करने के लिए एक लड़की चाहिए था। अरे हाँ हाँ हाँ, ऐसा बोलो ना, घर आ जाए क्या। अरे नहीं पंडित जी, घर पे नहीं आना है, हम लोग पार्क पे बैठे हैं, आ जाओ यहीं पे सारी बातचीत कर लेंगे। अरे बेटे, दक्षिणा मिलेगा या नहीं। पंडित जी आप जो बोलोगे वही मिलेगा, तो जल्दी से आ जाओ जल्दी से। ठीक है मैं अभी आता हूँ। ये साला टकला पंडित हमारा रिश्ता नहीं कर पाया ना, साले की हड्डी पसली एक कर दूंगा। अरे भाई चिंटू, वो टकला पंडित आ गया। अरे प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। अरे वाह क्या संस्कार है, धन्यवाद तुम्हारे माता पिता। अरे पंडित जी, हम दोनों के लिए रिश्ता देखो रिश्ता। तुम दोनों के लिए मतलब कौन शादी करेगा। अरे पंडित जी, हम दोनों करेंगे दोनों। अरे मेरी नजर में एक लड़की है, लेकिन उसकी बाप पूरी काला कालूटा है, खेलेगा क्या। अरे पंडित जी, लड़की दिखने में कैसा है। अरे लड़की तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी बाप पूरी काला कालूटा है, खेलेगा तो बोलो। अरे मेरी दक्षिणा पूरी 1000 रुपया होगा। अरे पंडित जी, उसकी फिक्र मत करो, 1000 क्या, हम 2000 दे देंगे, लेकिन हमारे रिश्ता हो जाना चाहिए। तो ठीक है चलो लड़की देखने चलते हैं। चलो चलो पंडित जी चलो। अरे मिंटू चल चल जल्दी चल। अंकल जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा। अरे बैठ जाओ। अच्छा बेटा तुम लोग क्या करते हो। हम सुबह उठकर ब्रश करते हैं ब्रश। अरे बेटा उसके बाद क्या करते हो। उसके बाद नहाते हैं। उसके बाद क्या करते हो। उसके बाद नाश्ता खाते हैं नाश्ता। अरे काम क्या करते हो वही बोलो। नाश्ता खा के सो जाते हैं। अरे नहीं नहीं शर्मा जी, ये दोनों स्कूल में टीचर हैं टीचर। ओ अच्छा अच्छा, कौन से स्कूल में बेटा। अरे हमारे स्कूल में। अरे बेटा स्कूल का नाम बताओ। कल जी हम तो स्कूल में पढ़ते हैं। अरे पंडित जी ये लोग क्या बोल रहे हैं। अरे नहीं नहीं शर्मा जी, ये लोग तो कॉन्वेंट स्कूल में टीचर हैं टीचर। अरे अंकल जी, तुम्हारी बेटी से हम कुछ सवाल पूछ सकते हैं। अरे
हाँ बेटा पूछो पूछो। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शीला है जी। बोलो शीला, शीला की जबानी ऐसा वाला ना? ये क्या बदतमीजी है, ऐसा कोई बात करता है क्या? नहीं नहीं शर्मा जी, बच्चे हैं आजकल के बच्चे, मुँह से निकल जाता है। खाना बनाना आता है? अरे नहीं जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो आपको क्या क्या आता है? मुझे मूवी देखना, डांस करना और पब में जाना बहुत अच्छा लगता है। अरे अर्जेंटू, इसे तो कुछ भी नहीं आता, क्या करे? अरे पंडित जी, कैसे जगह पे लेके आए हो यार, इसे तो कुछ भी नहीं आता। अरे इसे सब कुछ आता है, ये मजाक कर रहा है, मजाक है ना शर्मा जी? अरे बेटी ये क्या बोल रही हो? अरे हाँ पापा, मैं तो भूल गई थी। अरे हाँ जी हाँ, मुझे सब कुछ आता है, घर का काम आता है, खाना बनाना आता है, घर की साफ सफाई सब कुछ आता है मुझे, सब कुछ। अरे यार चंटो, इसे तो सब कुछ आता है, तो यही फाइनल करते हैं। हाँ फाइनल कर दो फाइनल। अरे शर्मा जी, हमारी तरफ से तो रिश्ता हाँ है, आप बोलो तो लेन देन की बात की जाए। अच्छा बेटा तुम्हें क्या क्या चाहिए बोलो। नहीं अंकल जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ दो गाड़ी दे देना, दो फ्रिज, दो वॉशिंग मशीन और दो पलंग जिसमें आवाज ना होता हो। अच्छा तो तुम दोनों से शादी कौन करेगा? अरे अंकल जी मैं करूँगा, मैं नहीं अंकल जी मैं करूँगा, मैं नहीं अंकल जी मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। तुम दोनों लड़ाई बंद करो, सीधे सीधे बताओ कौन शादी करेगा? अंकल जी हम दोनों करेंगे दोनों। अच्छा तो तुम दोनों शादी करोगे? अरे एक लड़की से, रुको रुको मैं अभी तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। जी पापा। थोड़ा सा डंडा लेके आओ तो इन दोनों को खाने पीने की चीज देंगे। अरे भागो रे भागो, अरे भाई सीधो भाग भाग, ये डरना बुड्ढा हमें मार देगा, भाग भाग।